द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हुनमुन रहमान। हमास और इसराइल के बीच जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है, और भी ज्यादा भयावह और खतरनाक हो चुकी है, और इस जंग में अब इसराइल को दोगुनी तिगुनी तेजी से जो है वो नुकसान होगा। कैसे, आपको बताते हैं। पहले जब दोनों के बीच जमीनी जंग शुरू हुई, और जब से शुरू हुई तब से होती आ रही है, उसमें हमास के लड़ाके, अलकसम ब्रिगेड के लड़ाके और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्हें प्रतिरोध बल कहा जाता है, जिनका फिलिस्तीन में गाजा में दबदबा माना जाता है, वो डिफेंसिव तौर पर लड़ रहे थे, यानी कि अपना बचाव करते हुए उन पर हमले कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है और इससे इसराइल को काफ़ी नुकसान होने वाला है। अब हमास के लड़ाके, प्रतिरोध बल, अलकसम ब्रिगेड के लड़ाके ऑफेंसिव मोड पर आ गए हैं, यानी कि अब वो लगातार उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उन्हें मार रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। हालत ये हो गई कि हमास और प्रतिरोध बल के लड़ाके जो हैं वो इजरायली कैंपों में घुस गए, चलते चलते दौड़ते दौड़ते उन पर हमला कर रहे हैं। उनके कैंपों में घुसकर कई इजरायली सैनिकों को जो है बंधक बना लिया, इजरायली फ्लैग को नीचे फेंक दिया और वहां पर चारों तरफ जो है वो धमाके किए। इसका एक वीडियो फुटेज सामने आ रहा है जो ट्विटर पर अमरेश मिश्रा शेयर करते हैं। अमरेश मिश्रा ने यहाँ पर इस वीडियो फुटेज को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, जो जानकारी साझा की है वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। यहाँ लिखा है कि इस वीडियो के कुछ अंश अरेबिक चैनल ने दिखाए थे, पूरा आपके सामने है। इससे पहले हमने इस वीडियो के कुछ अंश देखे हैं ट्विटर पर और अब ये पूरा वीडियो है। ये वीडियो तकरीबन 2 से 2.5-3 मिनट का ये वीडियो है, 1.5-2 मिनट का ये वीडियो है और इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अब ऑफेंसिव मोड पर हमास के लड़ाके प्रतिरोध बल जो है वो दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि हमास और फिलिस्तीन रेसिस्टेंट जो अब तक डिफेंसिव जंग लड़के IDF को नुकसान पहुंचा रहा था, अब ऑफेंसिव मोड पर जाकर IDF सैन्य जमावड़ों, जहाँ टैंक शिविर आदि होते हैं, कोऑर्डिनेट तरीके से हमला कर रहे हैं। इसमें रेसिस्टेंट मशीन गनों के अलावा हथगोलों और RPG को दौड़ते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी कुछ कुछ हिस्सों में कि क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से हमले कर रहे हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर शुरुआत में आप देखेंगे कि किस तरह से हमास और फिलिस्तीनी जो प्रतिरोध बल हैं वो इसराइल पर हमला करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, आपने देखा वीडियो का, हालांकि वीडियो लंबा है, इस वीडियो का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। दूसरे तीसरे हिस्से में देखते देखते आप समझ जाएंगे कि वहां क्या हो रहा है, किस तरह से ऑफेंसिव मोड पर हमास और प्रतिरोध बल आ गए हैं और वहां पर किस तरह से जहां पर सैनिकों का जमावड़ा है, जिसे राहत शिविर कैंप या फिर आप कैंप भी कह सकते हैं, वहां पर घुसते हैं और एक के बाद एक हमला करते हैं, इजरायली फ्लैग को नीचे फेंक देते हैं और इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से वो लोग राहत शिविरों में घुस रहे हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं, यहाँ तक कि वो हथगोलों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और RPG का दौड़ते हुए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, अब ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में जो उनका राहत शिविर कैंप है, जहां पर तमाम इजरायली सैनिक इकट्ठा हुए हैं, जहां पर रह रहे हैं, यहां पर जो है हमास के लड़ाके और जो प्रतिरोध बल हैं वो यहाँ पर घात लगाकर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद जो तहलका मचता है वो तो हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए कि किस तरह से वो लोग शुरू से हमला करते करते आते हैं, उसके बाद वो हमला करते करते उसमें एक एक करके जो है उस कैंप के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, शिविर कैंप के अंदर जो है वो घुसते हैं और उसके बाद जो इजरायली सैनिक उसमें मौजूद थे उन सबों को जो है वो बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और चारों तरफ धमाके होते हैं। तो पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें हमास और प्रतिरोध बल जो है वो इजरायली कैंपों में घुसपैठ कर रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए, आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस वीडियो में देखिए
कि ये लोग जो हैं अंदर घुस जाते हैं, एक एक करके हमास और प्रतिरोध बल अंदर घुसते हैं, और अंदर घुसने के बाद जो तहलका मचता है, जो कोहराम इजरायली सैनिकों पर टूट रहा है, वो कोई सोच भी नहीं सकता। अंदर घुसने के बाद इजरायली सैनिक अपने हाथ खड़े कर लेते हैं हमास के सामने, और हमास के लड़ाके प्रतिरोध बल इजरायली सैनिकों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उन्हें वहां से ले जाते हैं बंधक बनाकर। इसी बीच एक हमास का लड़ाका इजरायली जो फ्लैग है, झंडा है, उसे भी नीचे फेंक देता है। देखिए तस्वीरों में। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट भी देख रहे हैं। यहाँ पर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने क्या कुछ बयान में कहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन्होंने इनके बयान को कोट करते हुए लिखा है कि पिछले 72 घंटों में 41 इजरायली टैंकों ने सैन्य वाहनों को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया, 25 यहूदी सैनिक मारे गए, दर्जन भर गंभीर रूप से घायल हैं, इमारत में शरण लिए हुए यहूदी सैनिकों पर मिसाइल से हमला किया, पैदल चल रहे यहूदी सैनिकों पर घात और बम हमले किए, यहूदी सैन्य ठिकानों पर मोर्टार गोले से हमले किए, इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला हुआ, मुजाहिदीन युद्ध के मैदान में व्यस्त हैं और यहूदी सेना पर भारी बोझ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। साथ में आपने देखा कि किस तरह से वो लोग बिल्डिंग के अंदर घात लगाकर घुसते हैं, और उसके बाद किस तरह से वो लोग जो हैं इजरायली सैनिकों को अपने साथ ले जाते हैं, इस दौरान उनके फ्लैग को भी नीचे फेंक दिया जाता है। एक और वीडियो यहाँ पर देखिए, जिसमें यहाँ आप देखेंगे कि इसराइली कैंप जो थे वहां पर हर जगह जो है वो धमाके हो रहे हैं, ड्रोन शॉट जो है वो कह सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही दूर से दिखाया जा रहा है कि नीचे क्या चल रहा है, और यहाँ पर इजरायली सैनिक जहाँ शरण लिए हुए थे उन इमारत उन बिल्डिंगों में किस तरह से धमाके हो रहे हैं, और एक तरफ इजरायली सैनिकों को जो है वो कनपट्टी पर बंदूक रखकर हमास के लड़ाके ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इजरायली टैंकों पर इजरायली झंडे हैं वो भी हमास के लड़ाके लात मारकर नीचे फेंक रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये वीडियो आपने देखा, और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड पर लड़ाई कर रहे हैं, और ऑफेंसिव मोड में वो किस तरह से ज्यादा दुश्मनों का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमास और प्रतिरोध बलों को कामयाबी भी मिल रही है। जिस तरह से इसराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है और गाजा में मासूमों की जान ले रहा है, ये तो होना ही था। अब इस जंग में हमास इसराइल की इस जमीनी जंग में जो है वो तेजी से दोगुना तिगुना जो है वो इसराइल को नुकसान होने वाला है, ये बात तो तय है। कितने इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, पहले से ही इसराइल के कई बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिसे अभी तक इसराइल जो है वो छुड़ाने में कामयाब नहीं रहा है। हालांकि दोनों के बीच 6 से 7 दिन का समझौता हुआ, और उसमें कई इजरायली सैनिकों को हमास ने छोड़ा, लेकिन अभी भी अच्छी खासी बड़ी संख्या में इजरायली बंधक जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं, और उन्हें छुड़ाने के लिए इसराइल अभी तक जद्दोजहद ही कर रहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से जो है जो तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें किस तरह से इसराइली सैनिकों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है बंधक बना करके, किस तरह से धमाके हो रहे हैं और किस तरह से वो हथगोलों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, चारों तरफ जो है इजरायली सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायल एक बार फिर से बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है, क्योंकि अब हमास और प्रतिरोध बल डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड पर जो है लड़ाई कर रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सच सबसे आगे।